नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। देश और दुनिया की तमाम खास खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपके साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में हुए शामिल। एक दिन चला मोदी कैबिनेट का विस्तार, अब 8 जुलाई की सुबह हो सकता है। लॉकडाउन से छूट मिलते ही बेपरवाह हुए लोग, हिमाचल में हिल स्टेशन पर लगी भीड़, नहीं मिल रहे रूम। आपने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकारी अभियोजक बदलना चाह रही बीजेपी। बिहार में कोरोना संक्रमण पर लग रहा ब्रेक, 24 घंटे में 100 से भी कम नए मामले। खबरों की शुरुआत करते हैं और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कोरोना महामारी के मद्देनजर अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की है। इस व्यवस्था में शैक्षणिक स्तर को 2 टर्म में विभाजित किया गया है। बोर्ड ने 2021-22 शैक्षणिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाने और आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट वर्क को अधिक विश्वसनीय और वैध बनाने की योजना की भी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार एक टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में प्रस्तावित है। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस के 30 रोगियों की रेट्रो बल्बर तकनीक से आंखें बचा ली। अभी तक बल्बर तकनीक से ब्लैक फंगस से आंख बचाने का सिर्फ एक केस अमेरिका में रिपोर्ट है, बल्कि बार इकट्ठा 30 केस हैलेट से रिपोर्ट हुए हैं। इंफोटेरेसिन बी का इंजेक्शन ब्लैक फंगस के रोगियों के आंखों के पिछले हिस्से में लगाया गया। ब्लैक फंगस इसी हिस्से में जड़ पकड़ती है। खास बात यह है कि अभी तक ब्लैक फंगस का संक्रमण होने पर आंख निकालने की ही गाइडलाइन है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में ब्लैक फंगस को लेकर 2 शोध पूरे हुए हैं। पहला शोध रेट्रो बल्बर तकनीक से रोगियों की आंख बचाने का है। इस तकनीक के इस्तेमाल से एक तो रोगियों की आंख बच गई, दूसरे सीधे आंख में इंजेक्शन लगने पर कम मात्रा में दवा दी जाती है। तो ब्लैक फंगस के 30 रोगियों की बचाई गई जान और साथ ही साथ एक नई तकनीक ईजाद की गई है, बल्बर तकनीक, जिसके जरिए रेट्रो बल्बर के जरिए रोगियों की आंख बचाने में सफलता हासिल हो रही है। इस तकनीक के इस्तेमाल से रोगियों की आंख तो बचती ही है, दूसरा आंख में इंजेक्शन लगाने पर कम मात्रा में दवा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में ब्लॉक प्रमुख चुनाव प्रक्रिया 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच होगी। गोंडा जिले की क्षेत्र पंचायत मुजेहना को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में 10 जुलाई को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी। 825 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव के लिए 8 जुलाई को नामांकन होगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पदों पर चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सभी जिलों में क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव अब कराया जाना है। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बता दें 825 ब्लॉकों में 10 जुलाई को मतदान कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पदों पर चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सभी जिलों में क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव अब कराया जाना है। आईआईटी कानपुर के ड्रोन विभ्रम ने अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड समेत कई देशों के बीच अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। दरअसल उसे अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में 3 कैटेगरी में खिताब मिला है। आईआईटी कानपुर की इस सफलता के बाद निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर, एयरोस्पेस इंजीनियर के प्रोफेसर अभिषेक समेत
अन्य फैकल्टी ने टीम को बधाई दी। बता दें कि पीएचडी शोधार्थी रामकृष्णा और एमटेक छात्र चिराग जैन ने प्रोफेसर अभिषेक के निर्देश में विभिन्न विवरण को तैयार किया है। तो आईआईटी कानपुर के छात्रों द्वारा ये ड्रोन बनाया गया है। इसकी खासियत है कि ये कई देशों को पछाड़ चुका है। इसमें कई ऐसी तकनीकें हैं। बता दें कि एयरफोर्स इंजीनियर के प्रोफेसर अभिषेक समेत अन्य फैकल्टी ने टीम को बधाई दी है। वहीं बता दें पीएचडी शोधार्थी रामकृष्णा और एमटेक छात्र चिराग जैन ने प्रोफेसर अभिषेक के निर्देश में विभ्रम को तैयार किया है। इसका नाम विभ्रम रखा गया है। प्रयागराज के फाफावाऊ घाट पर शवों के मिलने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। इस बीच शवों को दफनाने के लिए भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे मामलों में नगर निगम खुद ही अंतिम संस्कार करवा रहा है। घाट पर एक बच्ची का शव दफनाने के लिए पास के गांव से कुछ लोग पहुंचे। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को दफनाने से रोक दिया, जिसके बाद नगर निगम के अफसर पहुंचे और अंतिम संस्कार कराया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में फाफामऊ घाट पर रेत में सैकड़ों शव मिलने के बाद दफनाने पर रोक लगा दी गई है। शव को दफनाने पहुंचे परिजनों को पुलिस ने रोक दिया। हालांकि शव का अंतिम संस्कार करवाया गया पुलिस द्वारा, लेकिन जिस तरह से लगातार कतारें प्रयागराज के घाट पर देखने को मिली थी दूसरी लहर में, उसके चलते अब दफनाने की जो प्रक्रिया है उसे पर रोक लगा दी गई है और अंतिम संस्कार करवाया गया है। रायबरेली के थाना बदोखर क्षेत्र में सिंचाई विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये से किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसान की परेशानी की मेन वजह सैकड़ों बीघा फसल का जलमग्न है। शायद नहर में हुए कचान से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हुई है। सैकड़ों किसानों के फसल जलमग्न होने से कई लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा है। तो सिंचाई विभाग की परेशानी से अवगत कराया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कई बीघा जमीन जो है वो जलमग्न हो गई है, जिससे चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इस पूरी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी भर चुका है, जिसके चलते फसलें भी जो है वो इसमें डूब गई हैं। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता ओमशंकर जुड़ चुके हैं। ओमशंकर, मैं आपसे आना चाहूंगी, पहले तो ये जल भराव की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, कहां से ये पानी का जो बहाव है, किस जगह से आया जो इतनी बीघा जमीन पर जलमग्न हो गया? दूसरा, अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए, ये शारदा नहर जो एनटीपीसी तक जाती है, वहीं की एक माइनर निकली है जो कम से कम 45 से 50 गांवों की सिंचाई इस नहर से होती है, लेकिन ये नहर कट चुकी है और कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो जलमग्न हो चुकी है। पानी के साथ साथ जो नहरों में जमा हुई सिल्ट आ जाती है खेतों में, वो सिल्ट साफ करने के लिए पूरे साल किसानों को मेहनत करनी पड़ती। अब वो दोबारा कोई भी फसल उस जमीन पर नहीं उगा सकते हैं जब तक कि सिल्ट साफ ना कर लें। इसकी शिकायत कई बार सिंचाई विभाग से की गई है, कोई पहला मामला नहीं है नहर कटने का, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अफसर जो है आंख बंद करे रहते हैं और किसानों को इसी तरह की समस्या से दो चार होना पड़ता है। तो अभी किसानों को किन समस्या, जो ये समस्या उत्पन्न हुई है इसको लेकर अब आगे क्या करने वाले किसान, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कई बीघा जमीन पर पानी भर गया है, तो कितना नुकसान अभी तक बताया जा रहा है? अभी ये मान के चलिए कि किसानों को भूखे मरने की नौबत आ गई, चूंकि नहरों की सिल्ट भी खेतों में पहुंच गई है। यानी अब जब तक सिल्ट साफ नहीं होगी वो फसल पूरी तरह से बेकार हो गई है, उनके सामने भूखे मरने का संकट है। कई बार उन्होंने सिंचाई विभाग के दफ्तर का घेराव भी किया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई भी मौके पर जाने से बच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओमशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों को लगातार इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिस तरह से बताया कि अब सिल्ट भी इस पूरे एरिया में आ गया है, जिसके चलते काफी जल भराव हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी और किसानों की मदद करनी पड़ेगी, ताकि जो भुखमरी की नौबत उत्पन्न हो रही है उससे निजात मिल सके।
वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोग मोहन भागवत की तरफ से बोल रहे, वहीं कुछ लोग उनके बयान पर हमला भी कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर के देवबंदी उलेमा के मोहन भागवत के बयान पर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत केंद्र और राज्य सरकारों से ये मांग करें कि भीड़ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। तो बता दें, मोहन भागवत ने सबका डीएनए एक है इस तरह का बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार सियासत गरमाई और तमाम विपक्षी दलों ने इस पर भाजपा को और मोहन भागवत को घेरे पे लिया था। वहीं मायावती ने भी ट्वीट कर इस पर उन्हें घेरा था कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत का ये बयान बगल में मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। उसके बाद बड़ा बात ये सामने आई है कि कुछ लोग इस बयान के पक्ष में भी हैं, जिन्होंने मांग की है और सराहना भी करी है। सहारनपुर के देवबंदी उलेमा ने इस बयान की सराहना की और उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत केंद्र और राज्य सरकारों से ये मांग करे कि भीड़ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, भागवत जी का जो बयान आया है लिंचिंग को लेकर के, जो लिंचिंग करने वाले है वो हिंदुत्व नहीं है, तो भागवत जी का यह बयान बड़ा ही अच्छा बयान है और बड़ी ही अच्छी सोच है। लेकिन हम साथ साथ में भागवत जी से ये भी मांग करते हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी लिंचिंग हुई है या लिंचिंग हो रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ भागवत जी को चाहिए कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार से मांग करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लिंचिंग करने वालों की जो है आए दिन हौसला अफजाई होती रहती है और आपने देखा होगा कि वो वीडियो बनाकर और उसको सोशल मीडिया पर भी जारी करते हैं। तो भागवत जी अगर केंद्र सरकार और यूपी सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार फौरन एक्शन में आएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। शाहजहांपुर में नकली सीमेंट फैक्ट्री पर एसटीएफ बरेली की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसटीएफ के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि कैन थाना क्षेत्र में जमौर इंडस्ट्रियल एरिया में सीमेंट फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इसी के साथ फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी और लेबर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एसटीएफ बरेली और जनपद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर एक्शन लेते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो बरेली में एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में सीमेंट फैक्ट्री पर संचालित की जा रही नकली सीमेंट फैक्ट्री को एसटीएफ की टीम ने छापा मारते हुए सील कर दिया है। इस पर ही कड़ी कार्रवाई के आदेश भी पुलिस द्वारा दे दिए गए हैं। जौनपुर में आज भी एक बुजुर्ग दंपत्ति सरकारी सुविधा की राह देख रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति के पास आशियाना ना होने की वजह से वो सड़क किनारे कपड़े की दीवार बनाकर सूखे पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है। केराकत के मीरपुर देवकली में सड़क के किनारे कमला प्रसाद विश्वकर्मा अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अपनी बीमार पत्नी के साथ रह रहे थे। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है। अपनी आजीविका के लिए ये लोग गांव वालों के कहने पर लोहे और लकड़ी के छोटे छोटे सामान बनाते हैं और उसी से मिलने वाले 10 से 20 रुपए से अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इन लोगों का आज तक किसी भी विधायक और अधिकारी ने कोई भी मदद के लिए सुध नहीं ली। इस धरती माँ की वीरों के ऐसे सज्जन को हमारे पास भेज दिए कि हमारा दुख कट गया, मिले न मिले, लेकिन इतना आपके बातों से हमको बहुत आनंद आया। बहुत समस्या, आँख से ना लौकत है, गोर से ना सही है, लड़का बच्चा भी ना है। अब ये 10-20 मिली तो ये बट्टी चोखा बनाव लिए, जो दिन ना मिला तो दिन वैसे भूखा मरा कि हम प्रधान के मुंह पर कह देंगे। प्रधान से कहें तो कहें कि तुम्हें कॉलोनी नहीं मिलेगा, जाइए कॉलोनी। तो आपने सुना किस तरह से एक बुजुर्ग दंपत्ति आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको सरकारी योजनाओं तक से लाभान्वित नहीं किया गया है। आज भी वो उन योजनाओं से कहीं ना कहीं परे हैं। प्रधान से भी गुहार लगा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस खबर पर संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, किन परेशानियों से ये बुजुर्ग दंपत्ति
जूझ रहे हैं और प्रधान के द्वारा क्यों अभी तक इनकी मदद नहीं की गई है? एक कहावत है, ये जो दंपति के ऊपर एक कहावत सटीक बैठेगी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। जौनपुर में आज भी एक दंपति सरकारी सुविधाओं की राह देख रहा है। मकान जर्जर होकर गिरने के बाद इस सड़क किनारे अपनी पत्नी के साथ सूखे पेड़ के नीचे रहता है। भले ही चाहे योगी सरकार हो, चाहे सूबे की सरकार, योगी सरकार चाहे जितना भी आवास देने की बात करती होता है और जो जिनके लाभार्थी उनको बेहतर सुविधा देने की बात करती है, लेकिन आज भी अपनी आजीविका अपनी पत्नी के साथ चलाता है। और आपको बता दें कि ये लोहे की छोटी छोटी जो चुनकियां होते हैं, जो गांव में खुरपी जो छोटी छोटी होते हैं उसे बनाकर समझिए कि 20 रुपए अपना जीवन यापन कर, कहीं ना कहीं इस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस रोड से जो ये रोड है, इस रोड से कई जिला के आला अधिकारी वीडियो कई विधायक गुजरे, लेकिन आज तक इस गरीब दंपत्ति की तरफ से कोई अभी ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गरीब महिला व अपने पति ने बताया कि जिस तरीके कई बार उन्होंने प्रधान से भी कहा कि हमें मकान चाहिए, मकान नहीं है, हमें रहने में काफी दिक्कतें होती है, जो सरकारी सेवाएं हैं वो लाभ नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आज भी ये परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जिले के अधिकारी जिस तरीके से हमारी बात पीएम मनीष कुमार वर्मा से हुई, मैंने इस बातों को उनसे अवगत करा तो उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, मनीष कुमार वर्मा बताया कि अभी मैं वीडियो से बात करता हूँ, उसके बाद इनके जो व्यवस्था होगी उनको दी जाएगी। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि डीएम मनीष कुमार वर्मा इस तरीके से कैसी व्यवस्था दे पाते हैं। जरूरी भी है और आपने जिस तरह से इन बुजुर्ग दंपत्ति के लिए पहल की और आवाज उठाई है वो भी काफी ज्यादा प्रशंसा वाली चीज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राहुल जुड़ने के लिए। और सरकारी जमीनों का, सरकारी चीजों का अभी तक इस दंपत्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा, हालांकि हमारी ये पूर्णतः कोशिश रहेगी कि इन्हें वो लाभ मिल सके जो दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा वो इन तक पहुंचाए जा सके। औरैया के अजीतमल कोतवाली में एक युवक ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिली है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यहां घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना ये भई है कि मंदिर पे त्रिशूल गढ़ा था, मतलब और 2-3-4 दिन पहले से इनकी खोचड़ होती थी। किसकी? बाप में और बेटा में। क्या नाम है इनके? अरविंद। और बेटे का नाम? समान। शिवम। फिर क्या हुआ? सर उसने मतलब जब उसने वो त्रिशूल मार दिया तब मतलब आवाज़ दी हमको कि इसने हमको त्रिशूल मार दिया लड़की ने, तो हम मतलब उठ के जगह। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।